सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए जुलाई 2018 से मिलने वाले महंगाई भत्ते के बारे में चर्चा करेंगे, तो हम बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि श्रम मंत्रालय की तरफ से 29 जून 2018 को यानी कि आज मई 2018 का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स वो जारी कर दिया गया है और इसमें पिछले महीने की तुलना में एक अंक की वृद्धि के साथ में ये 289 अंकों पर बंद हुआ है। तो इसका फायदा ये होगा कि सभी जो कर्मचारी हैं और जो पेंशन भोगी हैं उनके महंगाई भत्ते में इसी के अकॉर्डिंग वृद्धि होगी और उम्मीद की जा रही है कि उनका जो जुलाई 2018 से मिलने वाला महंगाई भत्ता है वो उनकी बेसिक जो पेंशन है या फिर सैलरी है उसका 3% होने के पूरे पूरे चांस हैं। और ये जो मेन एक अंक की जो बढ़ोतरी हुई है उसमें सर्वाधिक योगदान खाद्य समूह का रहा है, जिसने कुल बदलाव को लगभग 0.68 पॉइंट तक प्रभावित किया है और इसमें सबसे अधिक जो योगदान रहा है वो रहा है चावल, मूंगफली का तेल, ताज़ी मछली, पोल्ट्री, अंडे, दूध, देसी घी, हरी मिर्च, प्याज, बैंगन, इन जो खाद्य समूह के जो पदार्थ हैं उनमें की कीमत में बढ़ोतरी होने की वजह से जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और पिछले महीने में भी जो मुद्रास्फीति की दर थी वो बढ़ी थी और उसमें बढ़ोतरी हुई थी, जिसकी वजह से भी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो इसका फ़ायदा सभी केंद्रीय कर्मचारियों को और जो पेंशनर्स हैं उनको मिलने वाले महंगाई भत्ते के रूप में उन्हें होगा और उम्मीद की जा रही है कि जो आपका महंगाई भत्ता है जुलाई 2018 से वो लगभग 3% आपकी बेसिक सैलरी का हो जाएगा, क्योंकि पिछले महीने में ये 288 अंकों पर बंद हुआ था और एक इस महीने में ये 289 अंकों में पर बंद हुआ है। और यदि जून के महीने में भी ये 289 अंकों पर ही बंद होता है तो आपको जो मिलने वाला महंगाई भत्ता है वो उसमें 3% की वृद्धि होना पक्की है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही कि आपका जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है मई महीने का वो जारी हो चुका है और इसमें एक अंक की बढ़ोतरी हुई है और इसी के आधार पर आपको जुलाई 2018 से मिलने वाला महंगाई भत्ता है वो तय किया जाएगा, तो जो लगभग आपकी बेसिक सैलरी का और बेसिक पेंशन का 3% रहने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।